नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है राजस्थान के भरतपुर के डीग से, जहां नगर पालिका के नव निर्वाचित बोर्ड प्रतिनिधियों की पहली बैठक पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। इसी दौरान कस्बे की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए कस्बे वासियों ने उनका निस्तारण कराने की मांग की। वहीं पालिका अध्यक्ष ने कस्बे की रोशनी, सफाई आदि सहित सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को संवेदनशीलता के साथ निपटाने के निर्देश पालिका ईओ मनीष व उपस्थित पार्षदों को दिए। इस मौके पर उपस्थित समस्त वार्ड पार्षदों ने भी पालिका अध्यक्ष के समक्ष उनके वार्डों में विगत पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शेष रह गए कार्यों को पूरा करवाने का आग्रह किया, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों की समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ईओ नगर पालिका डीग से चर्चा कर समाधान शीघ्र करने का पार्षदों को आश्वासन दिया। इस मौके पर व्यापारी वर्ग ने भी बाजार में आवारा घूम रहे पशुओं से निजात दिलाने की अपनी मांग रखी। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा, समस्त वार्डों के पार्षदगण सहित कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सफल मीटिंग शांति तरीका से सफल हुई। सारे पार्षदगणों ने अपनी अपनी बाड़ों की समस्या रखी, जल निकासी की, रोशनी की, सफाई व्यवस्था की और सड़क निर्माण की, जो भी हुई वो पूरी तरह से शांति व्यवस्था से रखी गई, उनकी सुनी गई और जो उनकी समस्या उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाएगा। फुलकर राज महाराज।